दुनिया च दो तरह के अपाहज होंगे ने, एक ओ जो शरीरक तौर पर अपाहज हो, दूसरे ओ जिन्हां दी सोच अपाहज होवे। पर सब तो खतरनाक हालत वह होंगी है जिथे सोच अपाहज हो जाए। अज तुहानू एक अजिहे व्यक्ति नाल मिलवाउण जा रहे हां जो कि भावे ही एक लत तो अपाहज है। एक लत कम नहीं करती, पोलियो के कारण बचपन में ही यह लत चली गई सी, पर उसने कई सारे काम किए। अज अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहा है, एक इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी चला है, तो होर भी कई सारे काम करता है। इस तो इलावा जेकर गल करिए पवन जो कि 44 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, वह सवेरे उठ के कसरत भी करता है। हालांकि उसकी एक लत उसका साथ देने लई नहीं है, पर नकली लत के सहारे वो सही तरह चलता है तो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आओ सुनते हैं पवन तो कि यह जो सफर सी, ये जो मुश्किल भरया सफर रहा, उसने किस तरह सर किया। पवन कुमारी बचपन ना उस टाइम जानि कि जिस टाइम जानि कि मेरी उम्र सी जानि कि बचपन के उस टाइम एक बीमारी चली सी पोलियो की, जानि कि मेरी लत्त ने जानि कि दोनों लत्त पोलियो के आ गई सी, तो वो कारण जानि कि मेरिया लत्त दोनों ही जानि कि डैमेज हो गए थे। जानि कि उस तो बाद एक लत्त है जी मेरी, वो घरद ने जानि कि परवरिश की, जानि कि मालिश मुलश करके एक लत्त मेरी कामयाब करती सी। एक लत्त है जी मेरी, वो जानि कि मैं गुजरात जाके ऑपरेशन कराया, तो उत्थे जाके दूजी लत्त दे विच मैं बूट पवा के जानि कि आपका चलन योगा हो गया। सदमा तो बहुत लगे सी, एक बार तो जानि कि हो गया भी जिंदगी कुछ नहीं है, भी जानि कि मैं जिंदगी कुछ कर ही नहीं सकता है। तो फिर उस तो बाद जानि कि कुछ अपने यार दोस्त हो गए, तो एक ताए दे लड़का हो गया, उन्होंने जानि कि मैं थोड़ा जानि कि हौसला देना शुरू किया, भी जानि कि नहीं जिंदगी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने हौसले के सदके ला लो भी अज रब की कृपा नाल सारा घर का कम, तो दुकान का कम, बहरले कम, जो भी जानि कि कम कोई इस तरह का छड़े ही नहीं है, भी जानि कि जोड़ा कम करके ना देखा हो, पर कामयाबी एंड दे आ के जानि कि मैं इलैक्ट्रॉनिक्स के काम में ही मिली है। इलैक्ट्रॉनिक का कम मैं तकरीबन 25 साल तो करता रहे, तो हूँ रेगुलर यही कम चल रहा है अपना। मैडल मैं ना नैटवर्किंग कंपनी के, जानि कि शुरू के एमबे कंपनी आई सी, उदो लैके जानि कि जिन्या छोटिया मोटिया नैटवर्क कंपनियां आईया ने उन्होंने सारे कम करता रहा मैं, तो हूँ ये जो मैडल ने मेरे मोदी केयर, ये जानि कि बहुत वधिया प्रोडक्ट ने, इन्हें हर्बल प्रोडक्ट ने सारे, जानि कि कैमिकल रहित ने, जानि कि लोगों को घर घर जाके दसना होंगे भी जानि कि ये कैमिकल नहीं है, टूथपेस्ट है, जानि कि बच्चे छोटे तो छोटा बच्चा भी कर सकता है, वो घर घर जाके जानि कि दसदा सी। मेरा जो डायरेक्टर लेवल है क्लीयर हो गया, उसके मैं मैं ये मैडल मिले सी। जी वर्जिश सवेरे उठन सार जी आप वर्जिश, जानि कि पहला वर्जिश इस ही अपना जानि कि शुरुआत है जी उठन तो लैके दिन तक की, जानि कि वर्जिश तो स्टार्ट करी है, पहला वर्जिश करी दी है, फिर उदू बाद दुकान पर जाइए। नौजवान पीढ़ी देना चाहिए, नवी नौजवान पीढ़ी में यही सीध देना भी जी अपनी सोच है वो सोच ना जानि कि माड़ी रखना, अपनी सोच में हैंडीकैप्ट ना करना। जे बंदा लत्तों तो हत्थों तो पैरों तो जानि कि अपाहज है तो वो चल जूगा, पर जिंदी सोच अपाहज होगी वह जिंदगी कुछ नहीं कर सकता है। नशियां तो बचो, सब तो वड्डी गल है भी नशा पत्ता ना कोई किस तरह का करो। जी मैं पहला जानि कि जो सू कम की गल दसा, कम तो मैं बचपन तो ला के ला लो भी इन्ने कम किए ने भी तुम कमां नू देख के जानि कि हैरान रह जाओगे भी इन्ने कम करन तो बाद भी बंदा अज भी जानि कि आपदे बच्चों की परवरिश वधिया ढंग नाल कर रहा है। तो पहला मैं शुरू के ला लो 10वीं तो बाद मैं 10वीं दे विचों हट गया सी, पढ़ाई मैं छड़ती सी, मैं प्राइवेट स्कूल दे विच लग्या बच्चे नूं पढ़ाया, तो उस तो बाद मैं मोटर का कम किया, पहला मोटर तो पहला सिलाई का कम किया, तो नाल दी नाल फिर मैनूं शौक सी टैलीविजन का, रेडियो का, डेकों का। परमात्मा नहीं ये तो मैं कदे सोचा ही नहीं भी मैं इस तरह है, जिहड़ी जिथे कोई ये कहिंदा ना आम बंदा कहिंदा भी मैं नहीं चढ़ सकता, उत्थों मैं कल्ला बिना बॉडी तो चढ़ जाना, कदे कदे हार ही नहीं मन्नी, जानि कि कदे सोची नहीं मैं जानि कि मेरी लत्त वल्लों मैं कोई प्रॉब्लम मैनूं। एक बच्ची दे लई अपना पिता हमेशा ही प्रेरणा स्रोत हुंदा है, पर जद वो पिता इस तरह मुश्किलां झल के उन्हां दी परवरिश करदा है
ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਉਸੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਬੇਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟੰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ, ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।